यकीन मानिए पहली बार लगाने के बाद में आपको जो दर्द से आराम मिलेगा ये मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। आपके घर में जितने बुजुर्ग हैं सारा दिन अपने गोडे को घुटनों को ऐसे ऐसे हाथों से घुमाते रहते हैं चलाते रहते हैं क्योंकि उनको पेन बहुत ज्यादा रहता है, एक ये नींबू जो है वो आपके शरीर के किसी भी तरह के दर्द को चूस लेगा खींच लेगा और आपको चुस्त और दुरुस्त बना देगा, यकीन आपको बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन आज जो मैं रेमेडीज बताने वाली हूँ उससे आपको संधिवात बात की वजह से कहीं भी किसी तरह का अगर दर्द है तो उसको पूरी तरीके से निचोड़ने और खींचने के लिए रेमेडीज बताने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और पूरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए जल्दी से बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल केम शो, मैं हूँ पुनीता झा आपकी होस्ट और दोस्त और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, जहां पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे घरेलू छोटे छोटे उपाय से आप अपने बड़ी बड़ी बीमारियों को हमेशा के लिए अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक कर दीजिए, बगल में घंटी है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। आपके शरीर में बिना कारण अगर दर्द रहता है तो आज जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ इन रेमेडी से इसको आप पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से हटा सकते हो। और ये जो संधिवात होती है ये आपके नसों के अंदर में फंसा हुआ होता है, ये बात नॉर्मल जो बात होती है वो बात नहीं होती है, ये संधिवात जो होती है ये गैस आपके नसों के अंदर फंस जाता है जिसकी वजह से वहां स्वेलिंग क्रिएट करती है और फिर आपको बहुत ज्यादा दर्द होती है अपने नसों के अंदर। फिर चाहे वो लोअर बैक की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके टेलबोन में प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कंधे में दर्द की प्रॉब्लम हो, हाथ के नसों में प्रॉब्लम हो, उंगलियों में दर्द की प्रॉब्लम हो, पांव में प्रॉब्लम हो, टखनों में हो या पिंडलियों में दर्द हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैसे पता करें कि संधिवात की प्रॉब्लम है या नॉर्मल बात दोष की प्रॉब्लम है, बाय और बात है या संधिवात है। इसको पता करने का सबसे और छोटा सा आसान तरीका आपको बता देती हूँ, वो ये है कि कोई सा भी तेल ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और जिस एरिया में मान लो टखनों में आपको दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, जहां भी दर्द है उस जगह पे 2-3 मिनट मसाज कीजिए। अगर मसाज करने के बाद आपके दर्द में आपको आराम होता है तो ये नॉर्मल बाय और बात की प्रॉब्लम आपको है, जो बात दोष होती है वो प्रॉब्लम है। और अगर आपको मसाज करने के बाद आपका पेन इंक्रीज हो जाता है मतलब दर्द आपका कई गुना बढ़ जाता है तो समझ जाइए कि आपको संधिवात की प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये हो गया कि टॉक्सिन्स और हवाएं जो हैं वो आपके नसों के अंदर में घुसी हुई हैं जिसको कि निकालना बहुत जरूरी है। अगर लंबे समय तक इसको निकाला नहीं जाए तो फिर ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को जन्म देना शुरू कर देती है जिसकी वजह से आपको न्यूरोपैथी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके वजह से आपको सर्वाइकल वगैरह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और वो नस अगर बहुत लंबे समय तक फूली रह जाती है तब वेरिकोज वेन वगैरह की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब यह हो गया प्रॉब्लम की बात। अब प्रॉब्लम के साथ अगर सॉल्यूशन ना दिया जाए तो फायदा क्या है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यह करना जरूरी है कि नसें में जो फूल गई है या नसों के अंदर जो हवा भर गया है जो संधिवात की वजह से वो प्रॉब्लम हो गई है उसको कैसे रिलीज किया जाए। तो आज मैं आपको दो पहले ऐसे रेमेडीज पीने वाली बताने वाली हूँ जिसको करने से आपको बाय बात की प्रॉब्लम है या संधिवात की प्रॉब्लम है दोनों में ही आपको बहुत ज्यादा आराम आ जाएगा। तो पहले रेमेडी की बात करते हैं। पहला रेमेडी क्या करेगा कि आपके लीवर को क्लेंज करेगा। लीवर अगर साफ होगा तो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से होगा, टॉक्सिन्स बॉडी का फटाफट जो है वो रिलीज होना शुरू होगा और बॉडी से निकल जाएगा। तो पहला जो है वो लीवर के क्लेंजिंग के साथ साथ जो संधिवात हवा भरी हुई है अलग अलग नसों में और स्वेलिंग हो गई है उसकी वजह से उसको कम करने के लिए है। आपको क्या करना है कि 1 से 2 खीरा ले लेना है, 1 मुट्ठी फ्रेश पुदीना ले लेना है, 4 आंवला ले लेना है और ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक ले लेना है। इन सबको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इनको छोटा छोटा टुकड़ा काट लेना है, मिक्सी के अंदर 1/2 कप पानी में डालकर इनको बहुत अच्छे से पीस लेना है, पीस कर छान लेना है और उसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहली चीज खाली मुंह लगातार आपको ये 45 दिनों से 90 दिनों तक पीना है। ये क्या करेगा कि जो इंटरनल स्वेलिंग हो गई है उसको रिलीज करेगा, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है उसको निकालेगा, आपके लीवर को फिट एंड हेल्दी बनाएगा। जिन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर सोराइसिस की प्रॉब्लम है या लीवर डैमेज होने की शिकायत है, आपको डॉक्टर ने सर्जरी कह दिया है, ऐसे लोगों के लिए भी ये रामबाण उपाय साबित हो सकता है। तो पहली रेमेडी ये है जिसको आपको लगातार करना है। अब हम आते हैं दूसरी रेमेडी पे। दूसरी रेमेडी के लिए आपको क्या करना है कि एक ऐसा ड्रिंक बनाना है जो आपके शरीर या नसों के अंदर जो गर्मी है, सूजन जिसके वजह से नसों में हो रही है, उस गर्मी को आपके शरीर से मतलब पित्त को निकालकर आपके शरीर से आपके नसों को नॉर्मल साइज में लेकर आएगा, जिसके वजह से आपका दर्द में जो है वो बहुत ज्यादा कमी आ जाएगा।
और ये बड़ा ही सिंपल रेमेडी है, आप सबको बहुत आसानी होगी इसको यूज करने में, लेकिन जब आप करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे इसके रिजल्ट को देखकर। आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि किस चीज़ की इसकी तासीर गर्म है, उसकी तासीर गर्म है, क्योंकि उनकी प्रकृति जो है वो गर्म होती है, और कोई भी गर्म चीज़ अगर वो खाते हैं तो उनका बॉडी रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से उनको गैस, एसिडिटी, डकार, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम से भी आपको ये रेमेडी करने से मुक्ति मिलेगी। क्या करना है कि एक ग्लास रात में पानी लेना है, नॉर्मल पानी लेना, इस पानी के अंदर में 5 से 8 मुनक्का डाल देना है, ये बीज वाला मुनक्का डालना है। डालने के बाद इसको रात में आप ढककर छोड़ दीजिए, और सुबह में जब आप उठेंगे तो ये मुनक्का को और पानी में अच्छे से मैश कर दीजिए, इसके बीज को निकाल दीजिए और ये मुनक्का सहित इस पानी को पी लीजिए। ये भी लगातार आपको 30 से 45 दिनों तक लगातार करना है, अगर आप पूरी तरीके से अपने बॉडी से बात बाय या संधिवात को निकालना चाहते हैं। ये तो दो रेमेडी हो गई जिससे कि इंटरनल बॉडी को हीलिंग मिलेगी। अब हम तीसरे पे आए तो तीसरे के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक नींबू, नींबू पीला या हरा कोई सा भी हो सकता है, लेकिन साफ सुथरा और फ्रेश नींबू होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले इस नींबू को अच्छे तरीके से हम धो लेंगे, धोने के बाद कद्दूकस में इसको महीन महीन करके बहुत अच्छे से घिस लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम महीन होना जरूरी है, पीसना नहीं है इसको, इसको कद्दूकस ही करना है, थोड़ा सा खुरदुरा और थोड़ा महीन होना जरूरी है। तो इस तरह से हम इसको बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, और ये पूरे नींबू का ऊपर का जो ये पार्ट है इन सब को हम पहले निकाल लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब ये नींबू हो गया तो तकरीबन 1 चम्मच हमें चाहिए, तो एक नींबू को अगर आप घिसोगे तो उसमें जितना निकलेगा वो तकरीबन 1 छोटी चम्मच ही होगा। अब हमें चाहिए 2 चम्मच तिल का तेल, 1 चम्मच चाहिए हमें सरसों का तेल, 1 चम्मच हमें चाहिए अश्वगंधा का पाउडर, 1 चम्मच चाहिए हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच हमें चाहिए आंवला का पाउडर, और चुटकी भर हमें चाहिए नटमैग जायफल का पाउडर। इन सारी सामग्री को बहुत अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे, और मिलाने के बाद जिस जगह पे भी हमें तकलीफ है उस जगह पे हम इसको अप्लाई करेंगे। कि सबसे पहले इसको हाथ में लीजिए, हाथ में लेने के बाद जहां आपको दर्द है वहां पे गोल गोल घुमाना है, याद रखिए कि राउंड राउंड घुमाएंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा सीधा, क्योंकि कहते हैं संधिवात की प्रॉब्लम में गोल गोल घुमाएंगे तो वो नसों के अंदर से हवा को निकालेगा, टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, जिसके वजह से इंस्टेंट आपको दर्द में आराम आएगा। ये लगा के इस तरह से हमें 20 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छे से छोड़ देना है। जब ये थोड़ा सूख सा जाएगा उसके बाद क्या करना है कि आपको ये गर्म पानी लेना है, इसके अंदर में 1 चम्मच सेंधा नमक डालना है, और फिर इस हाथ को इसमें जहां भी आपको तकलीफ है वहां पे इस गर्म पानी से बहुत अच्छे तरीके से हल्का सा सिकाई करते हुए इसको रिमूव कर देना है। ये क्रिया आपको लगातार 30 से 60 दिन अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ड्रास्टिक चेंज पहली बार में ही देखना शुरू हो गया है। और एक चीज ध्यान देने की जो है वो ये कि जब आप ये लगाएं तो उतने देर के लिए पंखा या एसी को जरूर बंद करके रखें। पंखा और एसी में बैठकर ना इसको लगाना है ना इसको निकालना है, ये तो प्रिकॉशंस थे जो आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यकीन मानिए पहली बार लगाने के बाद में आपको जो दर्द से आराम मिलेगा ये मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, या कमर के दर्द की वजह से खड़े होना आपके मम्मियों का मुश्किल हो जाता है, उन सबको एक बार करते ही इस इलाज से देखिएगा कितना ज्यादा फर्क आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो मैंने उपाय बताया उसको आप जरूर करेंगे, और अगर फायदा महसूस करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियो के सारे रेमेडीज कैसे लगते हैं। आपका जो लाइक और शेयर होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। इसी तरह के मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।